नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बेंजो को ट्यून कैसे करते हैं और इसको कौन से स्केल पे हमें बेंजो को ट्यून करना चाहिए। देखिए, वैसे तो लोग इसको बहुत तरीके से ट्यून करते हैं। हर एक बेंजो को ट्यून करने का एक एक स्केल होता है, ठीक है। जैसे ये देखिए, मेरे पास 29 बटन वाला बेंजो है, ठीक है, और इसमें 29 बटन है टोटल। इसको हम डी स्केल पे ट्यून करते हैं, ठीक है। और जैसे अगर इससे बड़ा बेंजो होगा, वो 31 बटन वाला बेंजो होगा, तो उसको हम सी स्केल पे ट्यून करेंगे, ठीक है। अगर 27 बटन वाला बेंजो है तो हम उसको ई स्केल पे ट्यून करेंगे। अगर इससे कोई भी छोटा, जैसे 25 बटन वाला, जैसे 24 बटन वाला बेंजो हो, तो उसको हम जी शार्प या फिर जी स्केल पे ट्यून कर सकते हैं, ठीक है। जितना मतलब कि बेंजो छोटा होगा उतना ऊंचा स्केल होगा, और जितना बेंजो बड़ा होगा उतना स्केल नीचे होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें बटन ज़्यादा होते हैं। तो आप देखिए, एक चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। आप देखेंगे इस चार्ट में आपको तीन लाइनें दिख रही होंगी लाल कलर की, और पहली लाइन में आपको देखा लिखा होगा C31। तो C31 का मतलब है कि जो 31 बटन वाला बेंजो हो उसको हम सी स्केल पे ट्यून करते हैं, ठीक है। और जो आप देख रहे हैं दूसरे वाले, तो उसमें लिखा हो D29, और D29 का मतलब है कि जो 29 बटन वाला बेंजो है उसको हम डी स्केल पे ट्यून करते हैं, ठीक है। और जो आप देख सकते हैं, आपको तीसरे नंबर में लिखा होगा 27 E27। तो E27 का मतलब कि जो 27 बटन वाला बेंजो है उसको हम ई स्केल पे ट्यून करते हैं। तो ये अलग अलग स्केल है बेंजो को ट्यून करने के, ठीक है। हर एक जो बंदा है अपने हिसाब से ट्यून करता है, ठीक है। और इसी प्रकार फिर आप देख सकते हैं झाला, आप यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो में आपको चार झाला मिलेंगे या फिर सुरमंडल मिलेगा, तो इनको भी ट्यून करने के अलग अलग स्केल हैं, ठीक है। बट आज की इस वीडियो में हम खाली बेंजो को ट्यून करना सीखेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि बेंजो को ट्यून करना कैसे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये हमारा बेंजो का मेन ब्रिज है। आप देख सकते हैं जो सेंटर में, जो सबसे सेंटर वाला पोर्शन होता है, जहाँ पे आपके बटन्स होते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं आपके जो ये जो बटन्स हैं, ठीक है, इसके नीचे आपको एक ब्रिज मिलेगा, ठीक है। इसके जो ये तार हैं यहाँ पे, यहाँ से कंट्रोल होता है, यानी कि अगर आपको बेंजो को कसना है, आपको ट्यून करना है, तो आपका कंट्रोल यहाँ पे होगा, ठीक है, जो सेंटर वाला होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार हर एक बेंजो में एक सेंटर वाला ब्रिज होता है। ये ब्रिज होता है, इसको जो जो आप सफ़ेद सफ़ेद देख रहे हैं, इसको ब्रिज बोलते हैं। इसके ऊपर आपकी तारें ठहरती हैं, ठीक है। तो ये आपका ब्रिज है। तो हर एक बेंजो में एक सेंटर में ब्रिज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले आती है ये जो आप तार देख रहे हैं, ये जो हल्की सी तार, इसको बोलते हैं मेन तार, ठीक है। उसके बाद ये जो दूसरा तार है इसको बोलते हैं बेस तार, और ये भी बेस तार होता है, ठीक है। और किसी बेंजो में आपको दो तार मिलेंगे, किसी में तीन मिलेंगे, ठीक है। और ये सबको एक ही स्केल के ऊपर ट्यून करते हैं। अगर मेरे पास 29 बटन वाला बेंजो, इसको हम डी स्केल पे लगाएंगे, इसको भी डी स्केल पे, और सभी तीनों तारों को डी स्केल पे लगाएंगे, ठीक है। फिर अगले ये जो आपको कुछ तार यहाँ पे दिख रहे हैं, चार तार यहाँ पे दिख रहे हैं और कुछ तार यहाँ पे हैं, ठीक है। तो इनको ट्यून करने का अलग स्केल है, बट आज के हम इस वीडियो में खाली ये मेन जो जिस पे बेंजो हम बजाते हैं, जिसको इसको ट्यून करना सीखेंगे। फिर कभी आपको मैं झाला को ट्यून करना बताऊंगा, फिर आपको सुरमंडल को, ये आपका सुरमंडल है, इसको झाला बोलते हैं, ये आपको मैं ट्यून करना फिर कभी अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और अगर हमें देखिए, अगर हमें ये ब्रिज को ट्यून करना है, इस तार को ट्यून करना है, तो इसका कंट्रोल मैंने आपको जैसे कि बताया, देखिए आप देख सकते हैं, आप सेंटर पे जाएंगे, यहाँ पे आपको कुछ नॉब मिलेंगे, ठीक है। ये ट्यून करने के लिए नॉब है, ठीक है। अगर आप इसको इधर घुमाएंगे तो आपका तार टाइट होगा, ठीक है। अगर आप इसको इधर घुमाओगे, उल्टा घुमाओगे इसकी तरफ, तो आपका ये तार लूज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे ट्यून करना है हमें इस बेंजो को। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अपने बेंजो को ट्यून करने से पहले आप अपने एम्पलीफायर में, बेंजो में अपने एम्पलीफायर का तार लगा लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद आपको दूसरा काम क्या करना है, आपको मैं दूसरा काम बताने जा रहा हूँ। आप अपने फ़ोन में जाएँ, ठीक है। आप देखिएगा, अपने फ़ोन में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, आप अपने फ़ोन में देखिए ढंग से, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको ये दा ट्यूनर एप्लीकेशन करना है अपने फ़ोन में इंस्टॉल। तो आप क्या करेंगे, प्ले स्टोर में जाएंगे, तो आपको इस तरीके का एप्लीकेशन होगा, इसका नाम है दा ट्यूनर। तो इसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, मैंने तो ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो मैं इसको ओपन करने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लिखा हुआ ऑटो, एक लिखा हुआ मेनू, आप इसको ऑटो पे रखिएगा, ठीक है। ऑटो पे रखने के बाद आप देखिए इसको इस तरफ इधर रख दीजिएगा, बेंजो के ऊपर ही, ठीक है। और अभी देखते हैं कि बेंजो को ट्यून कैसे करना है, ठीक है। तो बेंजो को ट्यून करने के लिए सबसे पास है, पहले आपके पास ये प्लेक्ट्रम होना चाहिए, आप देख सकते हैं ये प्लेक्ट्रम, ठीक है। इसको पिक भी बोलते हैं, गिटार, ये सेम गिटार वाला पिक है, ठीक है। तो ट्यून करने के लिए मैंने आपको जैसे कि आप बताया कि अगर आपको ट्यून करना है, अगर आपको उसको लेफ्ट हैंड घुमाएंगे तो तार टाइट होगा, अगर आप राइट हैंड घुमाओगे तो तार लूज होगा, ठीक है।
तो जैसे कि आप मैंने शुरुआत में बताया था कि मेरे पास ये जो बेंजो है, मेरे पास 29 बटन वाला बेंजो, हम इसको डी स्केल पे ट्यून करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्यून करेंगे मेन तार, ठीक है। और आप देखिएगा यहाँ पे इस बेंजो को हम ट्यून करेंगे D4 पे। इस इंडिकेटर में यानी कि इस ट्यूनर में आपको D4 आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी देखिए मैं तार को मारता हूँ थोड़ा, देखिए कैसे कौन सा स्केल लगा था। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे D2 आ रहा है, बट हमें यहाँ पे D4 चाहिए। तो इसको ट्यून करते हैं, देखिए कैसे है, ट्यून करते हैं इसको। धीरे धीरे कसिएगा और धीरे धीरे मारते जाइएगा। तो अभी ये आपका तार ट्यून हो गया। तो देखिए इसको ग्रीन कलर में आना चाहिए। अभी देखिए तार को मैं टच करूंगा थोड़ा सा, ग्रीन कलर में आपको D4 दिखाई देगा। तो इसका मतलब अभी ये हमारा तार प्रॉपर ट्यून हो गया। इसको मेन तार को अभी हमने D4 पे प्रॉपर ट्यून कर लिया। अगर जिसके पास 27 बटन वाला उसको E4 पे ट्यून करना है, और जिसके पास 31 बटन वाला उसको C4 पे ट्यून करना है। 31 वाले को C4 पे ट्यून करेंगे, और 29 बटन वाले को D4 पे ट्यून करेंगे, और जो 27 बटन वाला उसको हम E4 पे ट्यून करेंगे। तो चलिए अभी बेस तार की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम करेंगे D3 पे ट्यून, मेन तार D4 में, ठीक है। और जो बेस तार है दूसरे नंबर वाले तार, इसको हम करेंगे D3 पे ट्यून। चलिए इसको ट्यून करते हैं अभी। तो आप अभी देख सकते हैं मैंने इसको D3 पे ट्यून कर दिया। ये देखिए ये ग्रीन कलर में दिखाएगा आपको। और पहला हमने D4 पे ट्यून किया है, अभी जो हमारा तीसरा बचा तार इसको हम करेंगे D2 पे ट्यून, ठीक है। तो अभी इसको भी करते हैं ट्यून, देखिए। तो ये हमारा तीनों तार ट्यून हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार आपको बेंजो को ट्यून करना है। और जिस बेंजो में आपके दो तार हैं, एक मेन तार और एक बेस तार, उसको आप दो ट्यून तार करिए। पहले को D4 पे और दूसरे को D3 पे, ठीक है। अगर तीन है तो तीनों को भी ऐसे करना है, बट इसको लगाना डी स्केल पे है। पर पहला D4, D3 और D2, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा बेंजो ट्यून हो गया, ठीक है। बस इतना ही काम है, और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि झाला को ट्यून कैसे करते हैं और सुरमंडल को ट्यून कैसे करते हैं, ठीक है। और मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा, अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप जो है आपका ये जो झाला है इसको ट्यून कैसे करते हैं और सुरमंडल को ट्यून कैसे करते हैं। आज की वीडियो में हमने इतना ही सीखा। अगर कोई भी दिक्कत तो कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।